નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આરે એજ્યુકેશન માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક નું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારી આઈએમપી એકમ કસોટી કહેવાય કારણ કે આમાંથી ઘણા પ્રશ્નો એવા હશે કે જે તમારી પ્રથમ પરીક્ષામાં હશે વિભાગ એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ કોઈ એક વિભાગ ઓર કુલ ગુણ હે પાંચ તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ટોટલ પાંચ વિભાગ આપેલા છે જેમાંથી કોઈ પણ એક જ વિભાગ તમારે લખવાનો છે જેમાં પહેલું છે કુંજડી કહા કહા જા સકતી હૈ તો કુંજડી સબ્જી બેચને વાલી આપણી સબ્જિયા બેચને કે ઘર ઘર ઓર ગલી ગલી જા હે પ્રભુ કો યાદ કરના तो तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूप जो है वो प्रभु ने हमें दिए हैं इसलिए हमें उसे याद करना चाहिए दूसरे सब्जी के, के, तो के अलावा फल गुब्बारे खिलौने कपड़े और बर्तन बेच सकते हैं सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले लाली छा जाती है पंछी छ चाहने लगते हैं कलिया खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है तीसरा विभाग मोची क्या क्या काम करता है तो जूते बनाने वाले कारीगर को मोची कहते हैं मोची को अंग्रेजी में कोबलर कहते हैं उनका काम तो मोची नए जूते बनाता है और टूटे फूटे जूतों की मरम्मत करता है उसमें दूसरा प्रश्न हरियाली लहलहाने लहराने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है तो हरियाली हमारे जीवन में बहुत महत्व है हरियाली लहराने से किसान खुशखुशाल हो जाता है हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियां फल फूल और कई चीजें हमें आसानी से मिल सकती है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हरियाली अनिवार्य है पेड़ पौधे लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति के ई हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है इसलिए हमारे जीवन में हरियाली लहराना से बहुत सारा परिवर्तन होता है चौथा विभाग व्यवसायकारों के नाम तो सुनार लुहार मोची कुम्हार नाई बराबर आदि आप लिख सकते हैं बारिश की बूंदे देखकर आपको क्या करने का मन होता है बारिश के समय फोटोग्राफी करना मुझे बहुत मजेदार लगता है बारिश में विभिन्न वस्तुएं और प्राकृतिक दृश्यों की फोटो खींचना मुझे आनंददायक लगता है और बारिश के समय खुले जगहों में घूमना मुझे बहुत मजेदार लगता है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा विभाग पांच उड़ने वाली चीजें तो हवाई जहाज गुब्बारा बलून पतंग और हेलीकॉप्टर उसमें दूसरा ज्यादा बारिश होने से क्या होता है तो ज्यादा बारिश होने से जल भराव होता है जिससे नदी झीलों और बांधों के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है इसके इससे बाढ़ का खतरा होता है जिससे लोगों के लिए संपत्ति को खतरा होता है और स्थानीय जीवन पर संभावित प्रभाव होता है ज्यादा बारिश के कारण औ अवकाशी इलाकों में लोगों के लिए खतरा होता है जल प्रभाव नियंत्रित न होने पर इन इलाकों में वाहनों घरों और संपत्ति को खतरा हो सकता है प्रश्न दो किन ही दो शब्दों का समानार्थी दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई भी एक विभाग तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कुल पांच विभाग है जिनमें से आपको किसी एक ही विभाग का उत्तर लिखना है अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन पहला विभाग बहुत यानी ज्यादा आज ठंड ज्यादा है खुशी यानी आनंद आज शहर में बड़ा आनंद है हमें पहले उसका समानार्थी लिखना है जैसे खुशबू यानी सुगंध और जो वाक्य है उसमें खुशबू का प्रयोग करना है मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है लहर यानी कि तरंगे समुद्र के तरंगे तूफानी रूप में बदल जाती है अवश्य समुद्र की तरंगे समुद्र की तरंगे तूफानी रूप में बदल जाती है सुबह यानी प्रातः काल प्रातः काल देवालय में पूजा होती है दूसरा विभाग सृजनहार यानी भगवान भगवान ने ही समग्र विश्व को रचाया है चिड़िया यानी कि पक्षी पक्षी ने अपने बच्चों को चारों ओर उड़ान भराई धरती यानी धरा धरा पर सभी लोग बसते हैं मुस्कान यानी हंसना, जोकर को हंसना को देखकर है। दुनिया यानी संसार संसार में अनेक अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तीसरा विभाग ठंड यानी शीतलता शीतलता की वजह से उसकी उंगलियां नम हो गई प्रातः काल यानी सुबह सुबह देवालय में पूजा होती है जगत संसार संसार में चारों ओर खुशियां है भगवान यानी प्रभु प्रभु ही जीवन में सब कुछ है पक्षी यानी चिड़िया उस चिड़िया की गायन से सभी मोहित हुए चौथा विभाग जंगल यानी वन वन में अंधेरा था बाग बगीचा बाग ब... यानी के बगीचे बाग यानी बगीचा आंसर है बगीचे में फूल खिले हैं पंछी यानी पक्षी पक्षी ने अपनी पांखों को उड़ाकर आसमान में उड़ान भरी विश्व यानी जगत विज्ञान के विकास से जगत में कई सुधार हुए है संसार यानी जगत जगत में हरियाली फैल गई है बहुत ज्यादा आज के दिन मैंने बहुत ज्यादा काम किया सुगंध यानी महक गुलाब के फूलों की महक वातावरण में सुंदर से वातावरण सुंदर हो जाता है प्रभात यानी काल प्रातः काल को मैं रोज ध्यान और योग करने के लिए समय निकालता हूं अधिक यानी ज्यादा वह इस मुद्दे पर ज्यादा विचार करने के लिए तैयार नहीं है परिंदा यानी पंछी पंछी ने अपनी पंखों से आकाश में उड़ान भरी चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं विधान को शुद्ध रूप में लिखिए किन ही एक विभाग सब में पांच पांच विभाग दिए हैं सब में से आपको कोई एक ही विभाग लिखना है वेदांत कहा जा रहा है તો તેનું શુ થશે વેદાંત કહા રહા હે આ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે આ રીતે લખવાનું છે ચંદ્ર બિંદી વાળું બરાબર એટલી ભૂલ છે સોનલ મેરી ઓર આ રહી હે તો સોનલ મેરી ઓર મારી તરફ એટલે ઓર આ રીતે લખાશે સોનલ મેરી ઓર આ રહી થી આંખો મે આસુ રહે હે તો આંખો સે આસુ બહ રહે હે હે જે છે ઈ બહુ વચ્ચેનું છે અહીં ચંદ્ર આવશે અનુસ્વાર જે છે તે લડકે ગા રહે હે તો ત્યાં પણ એની જેમ લડકે ગા રહે હે બહુ વચન છે હે જે છે આ રીતે ચંદ્ર વાળું થશે ત્યારબાદ જોઈએ હમ ગાના ગા રહા હું તો ત્યાં આવશે હમ ગાના ગા રહે હે બીજો વિભાગ જોઈએ લડકી ખેલ રહી હે તો લડકી આ જે યા છે ત્યાં આવશે ચંદ્રબિંદી અને બહુવચનો હે એટલે અનુસ્વાર વિવેક ગાના ગા રહા હે

આપણે લખીશું વેદાંત ને ક્યાં કહા બરોબર આ રીતે આવશે શું કહ્યું એવા મતલબમાં આપ ગલત જગ આ ગયે ત્યાં આવશે આપ ગલત જગહ આ ગયે હે અને વચ્ચે રહી ગયું લતા કીટની સુંદર ગાતી તો લતા કીટના સુંદર લતા કીટના મધુર ગાતી હે આ એનો આંતર છે ચલો દાદાજીને કહાની સુના ઈ બરોબર આટલી ભૂલ છે સુનાયાનું સુના ઈ उसने हस्ताक्षर कर दिए क्या आप खा लिये है, तो अच्छी है बदा थोड़ी थोड़ी भूल छे आज मौसम सुहाव नौसम सुहा ना है, आज सुहाना है उसकी नाक लंबी है उसका नहीं सुवसे उसकी नाक लंबी है पीतल पीला तो पीतल पीला होता है दही खट्टी यहां से दही खट्टा होता है उसका आंख छोटा है तो यहाँ से उसकी आँख छोटी है चलो प्रश्न नंबर चार शब्द कोश के क्रम का उपयोग कीजिए और शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शब्द कोश का क्रम हिंदी में क्या है तो क्रम में सबसे पहले आएंगे स्वर आपको यह याद रखना है क के बाद क्ष आता है और जो ग्य है वो ज और ज के बीच आता है चलिए अब आंसर देखते हैं सुबह चिड़िया ज्ञान और सफल तो सबसे पहले आएगा चिड़िया चिड़िया के बाद आएगा ज्ञान तो आपने ये देख लिया है अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञ का स्थान कहाँ है बुंदे सफल और सुबह दूसरा आंसर है कली ठंडी धरती याद और सुबह तीसरा सबसे पहले हम लिखेंगे क्षमा खेत बिजली मस्ती और हरियाणी चौथा प्रभु वहां हम सबसे पहला लिखेंगे प्रभु खुशी सबसे पहले आएगी खुशी प्रभु मुस्कान याद और लहर पांचवा तो किनारा खुशी गीत दरवाजा और हवा आपको इस तरह से लिखना है પ્રશ્ન 5 નિમમલખિત ભાવાર્થ વાળી પંક્તિ આ લખીયે કિનહી એક વિભાગ એટલે કહી વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચ વિભાગ છે જેમાંથી કોઈ પણ એક જ વિભાગ લખવાનો છે પેલું દૂર દૂર આતી હુઈ ઠંડી હવા મસ્તી લેકર તો તેના જેવી કાવ્ય પંક્તિ થશે એવો ભાવાર્થ દર્શાવતી જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી સે મસ્તી ઢોકર આતી હે હે જગ કે સર્જનહાર પ્રભુ તબ યાદ તુમहारी આતી હે હવે જોઈએ બીજી પંક્તિ સુબ હોતે કલિયા આપને દરવાજે ખોલ ખોલ કર તો ત્યાં એ ભાવાર્થ દર્શાવતી પંક્તિ છે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કરતી હૈ ખુશબુ કહેર દોડ આતી હૈ હવે જોઈએ બીજી પંક્તિ જબ બહુત સુબહ ચિડિયા ખુશી કે ગીત ગાતી હૈ અને એમાં ને એમાં બીજું છે જબ બુંદે છમ છમ કર ધરતી પર ગીરતી છે તો પેલા જોઈએ જબ સુબ ચિડિયા ખુશી કે ગીત ત્યાર પછી જોઈએ સુબો હોને પર કલિયા ની હે અને બીજી પંક્તિ છે ખુશબુકી લહેરે ચારો ઓર ફેલ જતી તો પહેલા જોઈએ પહેલી પંક્તિ કે જ્યાં તમારે લખવાની રહેશે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર જબ દુનિયા પર મુશ્કેતી હે આ લખવાનું છે બીજી જે પંક્તિ છે ખુશબુ વાળી ત્યાં લખવાનું રહેશે ખુશબુ કી લહેરે જબ ઘરસે બહાર દોડ આતી હૈ હે જગ કે સિર્જન પ્રભુ તબ યાદ તુમરી આતી હે હવે જોઈએ વિભાગ ચાર જેમાં પેલું છે દૂર દૂર સે આતી ઠંડી હવા મસ્તી લાતી હે અને એમાં ને એમાં બીજો ભાવાર્થ છે વાતાવરણ મેં ઠંડી હવા નહીં તાજગી મસ્તી લાતી હે તો જે પહેલું છે દૂર દૂર છે ત્યાં તમારે લખવાનું રહેશે જબ ઠંડી હવા કહી સે મસ્તી ઢોકર આતી હૈ હે જગ કે સિર્જન હાર પ્રભુ તબ યાદ તુમારી આતી હૈ અને વાતાવરણની જે લીટી છે ત્યાં આવશે છમ છમ બુંદે ગીરતી હૈ બીજલી ચમચમ કરતી હૈ મેદાનો બનબાગો મેં જબ હરિયાળી લહેરાતી હૈ त्यार बाद त्यारेली पंक्ति छे जेमा पहलू जब प्रातः काल से चिड़िया उठकर खुशी के गीत गुनगुनाती है तो त्या जब बहुत सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है, है जग के प्रभु तब याद तुम्हारी आती है अबे सेकंड पंक्ति छे जब बारिश का मौसम आता है छमछम बूंदे त्या लखवा रह आंक्ति बराबर जब छमछम गुंदे गिरती है आ लखवा रह તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોળસાત વિશે હિન્દીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક સંપૂર્ણ સોલ્યુશન